अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 58। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 58 सेज 59 एक्स प्लस टू का स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वन यदि क्यू। अच्छा, इसके ऊपर हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी हैव लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस टू का स्क्वायर। हमें पता है जो चीज़ डिवीजन में हो ऊपर जाके माइनस में हो जाती है, तो माइनस लॉग एक्स प्लस वन, ये चीज़ें माइनस में हो गई तो माइनस लॉग एक्स के प्लस थ्री का क्यूब। अब हमें पता है कि जो पावर होगी वो शुरू में आ जाएगी, लॉग की ये प्रॉपर्टी है, तो पावर शुरू में आ गई टू लॉग एक्स प्लस टू माइनस लॉग एक्स प्लस वन माइनस थ्री लॉग एक्स के प्लस थ्री। अब इसके ऊपर डायरेक्ट लगा सकते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड बोथ साइड वी हैव वन ओवर वाई और फिर वाई के ऊपर डेरिवेटिव। अब टू तो कॉन्स्टेंट है, लॉग के साथ जो भी चीज़ होगी पहले हम नीचे आएगी। अब इसके ऊपर डेरिवेटिव लगाएंगे तो एक्स का वन और टू जीरो, तो ये सिर्फ वन ही आएगा, माइनस ये चीज़ पर नीचे आएगी। नीचे आके फिर इसका डेरिवेटिव वन आ जाएगा, माइनस थ्री कॉन्स्टेंट है, लॉग के साथ जो भी चीज़ होगी पहले वो नीचे आएगी, फिर इसके ऊपर डेरिवेटिव लगाएंगे तो ये टू एक्स बन जाएगा। थ्री जीरो को लिखने की जरूरत ही नहीं है। वाई डैश ओवर वाई इज इक्वल टू टू ओवर एक्स प्लस टू माइनस माइनस सिक्स एक्स, थ्री टू आर सिक्स एक्स के प्लस। अब हम इसके ऊपर एलसीएम लगा सकते हैं, वाई डैश इज इक्वल टू ये वाई उठा के हम इधर लिख देंगे, इसका तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों कट्ठे नीचे लिख देंगे, अब हम देखें पहले टर्म के साथ इन तीनों को डिवाइड करवाएंगे तो एक्स प्लस टू कैंसिल हो गया, बाकी दो टर्म बच गई वो ऊपर ऊपर जाके मल्टीफाई होगी टू के साथ। कौन कौन सी टर्म बच गई थी, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और एक्स प्लस वन माइनस वन के नीचे क्या है एक्स प्लस वन, वो कैंसिल हो गया बाकी दोनों एक्स से मल्टीफाई हो जाएंगे। ओके, माइनस सिक्स एक्स, माइनस सिक्स एक्स नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, बाकी ये दोनों इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखिए वाई टू अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई होगा टू एक्स क्यूब प्लस, अब टू एक्स स्क्वायर वन से मल्टीप्लाई होगा तो टू एक्स के प्लस, अब तीन दो छः, छः इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा छः एक्स प्लस सिक्स माइनस, अब एक्स के प्लस थ्री और एक्स प्लस टू को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स टू और एक्स एक्स क्यू, फिर एक्स टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स के, लेकिन यह बाई माइनस है जो सब माइनस में होंगे, फिर थ्री एक्स, फिर माइनस सिक्स, अब माइनस सिक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू का पहले प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई आता क्या है, एक्स के प्लस टू एक्स प्लस एक्स प्लस टू, तो ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, फिर सिक्स एक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ तो ये आ जाएगा सिक्स एक्स क्यूब प्लस अठारह एक्स स्क्वायर प्लस बारह एक्स, बाय माइनस है तो सब चीज़ें माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगी, माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस एटीन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स। नीचे सिमिलर चीज़ें रिपीट हो गई। अब कुछ कैंसिल आउट होता है तो वो कैंसिल कर दें, ये भी एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है, ये माइनस में ये माइनस में, तो छः और एक साथ माइनस सेवन एक्स क्यूब में से टू हम कैंसिल कर दें तो बाकी बच जाएगा फाइव एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स क्यूब, बाकी ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है,
और ये भी एक्स स्केयर है, दो ये कैंसिल आउट हो गए क्योंकि ये माइनस में, ये प्लस में है, बाकी ये टीन एक्स स्केयर बच गया। ये सिक्स एक्स है, ये थ्री एक्स है, सिक्स में थ्री निकाले, थ्री एक्स, थ्री एक्स में से प्लस थ्री एक्स और माइनस ट्वेल्व एक्स, माइनस नाइन एक्स, ये माइनस सिक्स है, ये प्लस सिक्स है, बाकी कुछ भी नहीं बचा। ओवर एक्स स्केयर प्लस थ्री, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस वन बच गए। अब देखिए y की जगह हम लिख सकते हैं y की वैल्यू, y की क्या वैल्यू थी, x प्लस टू का स्केयर ओवर x प्लस वन और x स्केयर प्लस थ्री का स्केयर। तो ये एक x प्लस टू है, ये एक स्केयर है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ऊपर सिमिलर चीज बच गई। नीचे ये एक्स स्केयर प्लस थ्री वन है, ये थ्री है, तो ये दोनों फोर हो गए, और ये एक्स माइनस वन है, ये एक्स प्लस वन है, तो ये बन गया एक्स स्केयर माइनस वन, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, बस ये बच गए। ऊपर एक्स प्लस टू एक बच गया था, वो लिख लेंगे, ये मेरा आंसर। हमने कैलकुलस 2.2 का 59 क्वेश्चन कर लिया, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 बहुत आसान है, इसमें बस एक चीज़ समझने वाली है, ई ये लिखा हुआ है वाई इज इक्वल टू ये कोसेकेंट इनवर्स वन ओवर एक्स। हमें समझना है एक्स ये क्या होता है, ये ई की पावर है, यानी ये चीज़ ई की पावर में है, ई कोसेकेंट इनवर्स वन ओवर एक्स। अब हम इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लॉग क्या है, बल्कि इसको हम लॉग की प्रॉपर्टी के बजाय हम वैसे भी देख सकते हैं, तो चलो लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी हैव, ये पूरी रकम शुरू में आ जाएगी, लॉग ही। अब हम दोनों जब डायरेक्टिव लेते हैं तो ये वन और वाई वाई डैश आ जाएगा, इसके ऊपर लगाएंगे डायरेक्टिव, लॉग ही तो वन होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। इसको डेल्टा लगाएंगे तो हमें पता है इसका कोज इनवर्स का फॉर्मूला होता है माइनस वन ओवर एंगल, एंगल स्केयर माइनस वन, और फिर एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, तो वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस वन ओवर एक्स स्केयर। अब देखें माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो गया, अब एक्स के नीचे है तो ये एक्स और ये एक्स क्यूब बन गई। वाई इधर आके हम लिख सकते हैं, वाई इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो वाई डैश को लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, वाई की जगह ये पूरी रकम लिख देंगे। ये पूरी रकम ये आंसर अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 इज वाई इज इक्वल टू एक्स वन माइनस टू एक्स टू माइनस थ्री एक्स थ्री ओवर फोर थ्री माइनस फोर एक्स फोर ओवर थ्री। ये इसके ऊपर भी जारी बात हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे क्योंकि ये हर चीज़ पावर में है। अंडर रूट टू को भी हम लिख सकते हैं अंडर इसको स्क्वायर रूट को वन ओवर टू, अब हर चीज़ पावर में है तो इसको हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी हैव, इसके ऊपर लॉग लगाएंगे तो वन ओवर टू शुरू में लॉग एक्स, दोनों बढ़ना हो रहे हैं तो लॉग में प्लस हो जाते हैं, इसके ऊपर लॉग लगाएंगे तो टू ओवर थ्री शुरू में, ये डिवे नहीं आ रहा नीचे तो ये माइनस में आ जाएगा, थ्री ओवर फोर शुरू में लॉग टू माइनस थ्री एक्स
बुक में थ्री नहीं होगा, वो मिस्टेक है किसी किसी बुक में, ये भी नीचे ही है तो ये भी माइनस में ही होगा। फोर ओवर थ्री शुरू में लॉग थ्री माइनस फोर एक्स। अब इसके ऊपर हम डायरेक्ट लगा सकते हैं डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी हैव वन ओवर वाई वाई डैश, वन ओवर टू कॉन्स्टेंट है लेकिन वन ओवर एक्स आ जाएगा लॉग एक्स का, प्लस टू ओवर थ्री लॉग के साथ पहले वो नीचे आएगी चीज, फिर उसके ऊपर डायरेक्ट लगाएंगे तो वन का जीरो और माइनस टू एक्स का माइनस टू, एक्स वन हो जाएगा। माइनस थ्री ओवर फोर लॉग टू माइनस थ्री एक्स का पहले नीचे आएगा, फिर इसके ऊपर डायरेक्ट लगाएंगे तो टू का जीरो और माइनस थ्री एक्स का माइनस थ्री आएगा जीरो। माइनस फोर ओवर थ्री फिर लॉग की प्रॉपर्टी में लॉग नीचे, ये जीरो हो जाएगा, इसका माइनस फोर आएगा, मतलब इसका जो है डायरेक्ट लेते हैं ना, इसलिए एक्स फोर है वन है, ये वन ओवर टू एक्स माइनस है ना, तो बाहर माइनस आ गया, टू टू द फोर ओवर थ्री वन माइनस टू एक्स, माइनस माइनस प्लस, थ्री थ्री द नाइन, नाइन ओवर फोर टू माइनस थ्री एक्स, माइनस माइनस प्लस, फोर फोर द सिक्सटीन ओवर थ्री थ्री माइनस फोर एक्स। अब हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो जो सिमिलर चीज़ें हैं थोड़ी सी उसको हम एक साथ लिख लेंगे। अब वन और नाइन एक साथ लिख लेंगे और फोर और सिक्सटीन एक साथ लिख लेंगे, क्योंकि फोर के टेबल में सिक्सटीन भी आता है और ये थ्री भी कॉमन है दोनों में, इसलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, वन ओवर टू एक्स प्लस नाइन ओवर फोर टू माइनस थ्री एक्स, ये सिक्सटीन ओवर थ्री थ्री वन फोर एक्स, माइनस फोर ओवर थ्री वन माइनस टू एक्स। इन दोनों को कट्ठा ऐसे ले लेते हैं, इन दोनों को कट्ठा ले लेते हैं, इन दोनों को कट्ठा लेंगे तो क्या आएगा, ये फोर को हम लिख सकते हैं टू टू, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, टू एक दफ़े लिख लेंगे, हाँ फोर और टू का लेना तो टू टू द फोर वन वन, हाँ तो ये फोर आता है, फोर एक्स टू माइनस थ्री एक्स। अब इसमें क्या किया है, इसमें टू भी और एक्स भी है, लेकिन इसमें टू एक्स है बाकी टू बचता है और ये चीज़ बचती है, प्लस इसमें फोर भी है टू माइनस थ्री एक्स भी है लेकिन एक्स नहीं है, तो एक्स नाइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस अब इन दोनों को इकट्ठा ले लेंगे, थ्री कॉमन आ जाए एक दफ़ा लिख लेंगे लेकिन बाकी दोनों टर्म्स लिखेंगे, इसमें ये चीज़ है ये नहीं है, यू भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस इसमें थ्री वन माइनस टू एक्स है लेकिन ये चीज़ नहीं है, ये ऊपर फोर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम देंगे वाई डैश ओवर वाई इक्वल टू, इन इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फोर माइनस टू थ्री दस सिक्स एक्स प्लस नाइन एक्स ओवर फोर एक्स टू माइनस थ्री एक्स, प्लस लगा के इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिक्सटीन वन और सिक्सटीन माइनस थर्टी टू एक्स माइनस फोर को मैंने मल्टीप्लाई कर लेंगे ट्वेल्व और माइनस माइनस प्लस सिक्सटीन एक्स, ये चीज़ थ्री वन माइनस टू एक्स थ्री माइनस फोर एक्स, फोर वैसे आ गया, नाइन में से सिक्स निकाले तो थ्री एक्स, वही रकम के साथ प्लस है तो प्लस लगेगा, फोर एक्स टू माइनस थ्री एक्स सिक्सटीन। अब सिक्सटीन में से फोर ट्वेल्व निकाल दो फोर बच जाता है और थर्टी टू में से सिक्सटीन निकाल दो सिक्सटीन बच जाता है, वही रकम के साथ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, थ्री वन माइनस टू एक्स थ्री माइनस फोर एक्स, ये भी वाई डैश और वाई आ गया। अब इसमें से फोर कॉमन आ रहा है, इसमें से हम फोर कॉमन ले सकते हैं, फोर कॉमन लिया तो वन माइनस फोर बच गया। अब हम इन दोनों कैल्शियम ले लेंगे, इसमें से ये इसमें से ये कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसमें से ये कैंसिल हो गया, बाकी ये चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, थ्री वन माइनस टू एक्स
3 माइनस 4x प्लस ये लिखेंगे, इसे से ये पूरी चीज कॉमन आ जाएगी, लेकिन ये चीज बच गई वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम इसको नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, y डैश और y इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई किया, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा वो हम पहले निकाल लेते हैं साइड पे, ताकि ज्यादा क्वेश्चन लंबा ना हो जाए। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 4 1 4 - 8x प्लस 3x माइनस 6x 3 - 4x। अब 3 4 - 8x प्लस 3x ये स्केल में ये पहले लिख लेंगे, 8 में 3 निकाला 5x प्लस 4 3 - 4x। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18x स्केल माइनस 15x प्लस 12 3 - 4x। अब 18x के वैसे ही माइनस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे सबके, 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 54x के, फिर 3 को 15 से 45x प्लस 36, फिर माइनस 4x को सबसे करेंगे प्लस 72x के प्लस 15 को 4 से 60x स्केल, ये भी x है ये भी x था तो क्यूब आ जाएगा। अब माइनस 48x, अब पहले 72x क्यूब लिख लेंगे, फिर x स्केल 60 में 54 निकाल दिए, 6x स्केल 48 और 45 ये आ जाएगा 33 और ये 93x प्लस 36, ये इसका आंसर आता है पूरे का। इस पूरे की जगह हम 72x क्यूब प्लस 6x के माइनस 93 प्लस 36 लिख सकते हैं, ये 4 ये 4 ये 16 बन गया, 16 है x। अब x को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2x माइनस 3x के। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं नीचे, 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस 3x के, और 4x को किया तो 8x के प्लस 12x के, फिर 16 को मल्टीप्लाई किया तो 32x माइनस 16 को 3 से किया 48x के, 16 को 8 से किया 128x के प्लस 16 को 12 से किया तो 192x क्यूब। इसको या इसकी जगह लिख लेंगे, अब हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे, ये भी क्यूब है ये भी क्यूब है, तो 192 में 72 प्लस किए तो ये क्यूब, ये भी एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर, तो 128 में 48 प्लस के कितना आता है, ये आता है 176 आता है, 176 में से हम 6 माइनस कर देंगे क्योंकि ये माइनस में है तो 170 आ जाएगा, 170x के, बाकी x पर 12 बच गई 32x, फिर 93 में से 36 माइनस कर देंगे तो क्या आता है, 93 में से 36 माइनस कर दें 57 आता है, ये हमारा आंसर है। ये नीचे 4x 2 माइनस 3x 4 और 3 12 3 माइनस 4x और 1 माइनस 2x, ये y के इसके साथ लिखेंगे, y की वैल्यू जो भी है वो आप पुट कर लीजिएगा, y की जो क्वेश्चन में वैल्यू है ना वो इसके साथ पुट कर दीजिएगा, और आपको इतना डब्बा नहीं जाना तो आप यहाँ तक भी कर सकते हैं ऐसे, y डैश इज इक्वल टू y इसके साथ लिख लीजिए 4 प्लस 3x ओवर 4x 2 माइनस 3x प्लस
फोर वन माइनस फोर एक्स ओवर थ्री वन माइनस टू एक्स थ्री माइनस फोर एक्स। वाई की क्वेश्चन में वैल्यू क्या है वो लिख लो साथ में। वाई की क्वेश्चन में वैल्यू है वाई की क्वेश्चन में वैल्यू है कि अंडर रूट एक्स वन माइनस टू एक्स का क्यूब और नीचे टू माइनस थ्री एक्स का थ्री बाई फोर और थ्री माइनस फोर एक्स का फोर बाई क्यूब। ये आंसर है इसका, ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपने ज़्यादा लंबा नहीं जाना। हम बहुत लंबा चले गए थे, अगर आपने लंबा नहीं जाना तो आप इतना तक भी कर सकते हैं। ये इसको आगे ऐसे हम नाइस करें तो भी ठीक है। ये इसका आंसर है। आज हमने कैलकुलस 2.2 कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में